काम स्तर अपेक्षा प्रपद्यन्ते थे एवं देवता। तो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अलग अलग देवताओं, अलग अलग विधि का निर्माण ये सब करता रहता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि ये सब कौन है, अंतवंतु फलम तेषाम अल्पमेधसाम। ये सब क्या हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं। ये जो इस रास्ते पे जाते हैं तो उनको भगवान बोलते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो कौन है, कम बुद्धि वाले हैं, अल्पमेधसाम। तो अल्पमेधसाम लोग हैं ये बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान भगवान बताते हैं, ये ही संस प्रजा भोगा दुख यो न एवते आदवंत कौंतेय न ते सूरम ते बुधा। ये बुद्धिमान व्यक्ति इन छोटे छोटे सुखों में नहीं फंसता। ये जो क्षणिक सुख जो शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो बुद्धिमान वो है जो इन सुखों के लिए प्रयास नहीं करता। ये सब कौन है जो इन प्रयास कर रहे हैं, भगवान बताते हैं अल्पमेधसाम, वे कम बुद्धि वाले हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे, कि हम कम बुद्धि वाला कार्य नहीं करें, हम बुद्धिमान वाला कार्य करें। तो बुद्धिमान वाला क्या कार्य है, बुद्धिमान वाला कार्य बताते हैं, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संगोपांग अस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधश। कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति काम करता है। बाकी जो सब अल्पमेधसाम है वो तो फंसे हुए हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उनकी बुद्धि क्या है, भोग और ऐश्वर्य के द्वारा हर ली गई है, अपहृत हो गई उनकी बुद्धि, भोग ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं। भोग ऐश्वर्य में फंसे होने के कारण क्या है, कि भगवान की जो भक्ति है उसके प्रति वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इन अलंकारमयी जो भाषाएं हैं वेदों की, उनसे ऊपर उठो, उनसे ऊपर उठ के कार्य करना पड़ेगा। तो क्या कार्य करना है, तो यहाँ पे रूपा जी लिख रहे हैं कि बद्ध जीव सकाम कर्म की उन्नियों से जकड़े हुए हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हो। तो देखते हैं, मेला देखा है आपने, मेला हम लोग सोनपुर में थे 7-8 साल, तो वहाँ मेला लगता है, सोनपुर का मेला बहुत फेमस है, वहाँ पे गंडक और गंगा का संगम है, वहीं पर युद्ध हुआ था गज और ग्राह का, कौन हारा, वहाँ पे घाट है उसको आज बोलते हैं कुनहारा घाट, उसका पुराना नाम कौन हारा, दोनों में जो लड़ाई हुई तो कौन हारा, इसलिए उसका नाम है कुनहारा घाट। तो वहाँ पे मेला लगता है सबसे बड़ा, पढ़ेंगे जंगल में तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर का मेला, वहाँ पे मेला लगता है। तो वहाँ पे झूला अलग अलग तरह का आता है, एक ऊपर वाला आता है, एक तिरछा वाला आता है, एक नाव आता है ऊपर ले जा करता है, तो बहुत लोग बहुत मज़ा आता है, सब चढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्या करते हैं लोग, कि मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हो। तो जैसे अज्ञानी बालक वो झूले पर चढ़ता है, वो सोचता है मज़ा आएगा, ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है तो चिल्लाता है। तो ऐसे ही लोग जो हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी किसी विधि का पालन करके, ये सारे भक्ति के अलावा जो भी विधि है उनका सबका पालन करके सुकृत, कुछ ना कुछ तो उनको पुण्य मिल रहा है, और उस पुण्य के द्वारा वो क्या, कभी वो स्वर्ग जाते हैं, कभी वो तपलोक महरलोक जनलोक सत्यलोक वहाँ तक जाते हैं, और फिर वहाँ से जब अकाउंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस आते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसमें जो भगवद्गीता का 8वें अध्याय का 13वां श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं कि जैसे पृथ्वी से लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं, उसी तरह ऊपर से क्या होता है, ऊपर वाले लोगों को वो नीचे फेंका जाता है। और ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्म लोग
चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। तो कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, झूले की तरह। कुछ ऊपर जो ऊपर गए अब ऊपर से नीचे आएंगे, और नीचे वाले फिर ऊपर जाएंगे। तो यही चल रहा है, हाँ, ऊपर नीचे चल रहा है। इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, झूले में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेन तो है कि उससे बाहर निकलना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। तो असली सुख कहाँ है? भगवान के राज्य में। इसलिए भगवान बताते हैं कि माम उपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य मुझे प्राप्त करो। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि माम इच्छा तुम धनंजय, हे अर्जुन मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। बाकी सारे इच्छाएं जो हैं वो फिर यहीं ले आएंगे। तो कौन सी इच्छा? मुझे प्राप्त करने की। भगवान बोल रहे माम इच्छा तुम धनंजय। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियाँ भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी मौलिक इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है इस जीवन में, इस देश में दूसरे देश में इस लोक में दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है। तो आत्मा को आनंद चाहिए। अब आत्मा को तो आनंद चाहिए, लेकिन आत्मा ने क्या किया? अभी अपनी पहचान गलत कर ली है, और गलत पहचान के आधार पर सारे कार्य कर रहा है, और इसके आधार पर जो सारे कार्य कर रहा है उससे वो उसको वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो पहचान जो है उसको सही करनी पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मौलिक इच्छा। तो मौलिक पहचान हमारी क्या है? महाप्रभु बताते हैं हमारी मौलिक पहचान क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये बताया गया शास्त्रों में, बताया गया मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ स्वरूप ही न अवस्थित, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे मतलब हम मुक्त हो गए हैं, स्वरूप में अवस्थित होना पड़ेगा। तो मौलिक जो बता रहे हैं, मौलिक इच्छा की पूर्ति। तो मौलिक इच्छा जैसे हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार मतलब इसका हनन नहीं होना चाहिए। तो हम मौलिक इच्छा, ये तो ये मौलिक इच्छा, प्रभुपाद जी ये यहाँ पे वर्ड बहुत अच्छा लिखे, मौलिक इच्छा सच इत आनंद, यही मौलिक इच्छा है जीव की। सत सनातन है, नित्य चाहता है, कभी समाप्त होना मरना नहीं चाहता। सच्चित सार ज्ञान और फिर आनंद, सदैव आनंद चाहिए। तो ये मौलिक इच्छा है, और इसी को अभी क्या है विकृत रूप से पूरा कर रहा है अलग अलग तरीके से, कोविड शील्ड लगा के अलग अलग बूस्टर डोज लगाएगा। तो अलग तरह तरह से पूरा किया जा रहा है कि कैसे सनातन रहें, कोई बुढ़ापा ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। तो वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं इसमें। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमेशा बोल रहे हैं कि इतने साल बाद कर लेंगे उतने, लेकिन कब करेंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं इतने साल बाद, उतने साल बाद कर लेंगे। तो सच मौलिक इच्छा ये है कि इसकी पूर्ति करनी है। इसके लिए तो श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में क्या करना चाहिए, तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो हमें क्या तैयारी करने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे श्रीमद्भागवतम के माध्यम से। बाकी जो ऋषि मुनि हैं उन सबको, हम सब भी यहाँ पे ऋषि मुनि हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि सब मुनि हैं, सब चिंतन करते हैं, एक दूसरे के तर्क को काटता है। तो इस तरह से सब चिंतन कर रहे हैं, कोई ये बोल रहे हैं हमारा मार्ग सही है, वो हमारा मार्ग सही है। देखिए बाहर सब एक दूसरे में लगे हुए, नहीं हमारा सही है, नहीं हमारा सही है, सब अपना अपना सही बता रहे हैं, हमारा सही नहीं हमारा सही। तो इस प्रकार से सभी अपनी अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। तो इतने सारे मुनि हैं, सबको यही ज्ञान दिया जा रहा है कि नहीं आपको क्या करना है, ये वाला प्रयास करना है। अलग अलग ये जो लोकों तक जाने की इच्छा है, अलग अलग मार्गों से नहीं, आप क्या करिए, सीधे
सीधे क्या करिए, भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, न वहाँ पर उपलब्ध जीवन ही की सुविधाएं ही शाश्वत है। अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने हेतु वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। तो इन सब सुखों से क्या करना चाहिए, विरक्ति दिखानी चाहिए। तो ये भगवान बता रहे हैं गीता में कि ये जो सुख हैं इसमें बुद्धिमान व्यक्ति नहीं फंसेगा। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। ये जो फिर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, वो बोलेगा कि नहीं ये कर लो वो कर लो, ये अनुष्ठान ये वो अनुष्ठान, ये रास्ता भी है वो रास्ता भी है, तो ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है। तो हमें क्या करना है, तो हमारे लिए क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन बताया गया यहाँ पे भगवद्गीता में दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान बताते हैं सोल्यूशन। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तामान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, कि छोटे छोटे कुंप से जो कार्य होता है तो विशाल जलाशय क्या करता है, उस सारे कार्य को अकेले ही पूरा कर देता है। तो छोटा छोटा कुआं, यहाँ कुआं वहाँ कुआं, छोटे छोटे कुएं बनाएंगे, लेकिन अगर नदी मिल जाए तो नदी से सारा कुछ हो जाएगा। तो यही भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि नदी, नदी मतलब यहाँ पे ये बताने का उद्देश्य है कि हमें नदी का प्रयास करना चाहिए। वो नदी क्या है, वो नदी है बड़ा जलाशय है नाम संकीर्तन। हर युग में अलग अलग रास्ता है, तो हर युग में, इस युग में क्या विधि है, नाम संकीर्तन का। तो हमें इस रास्ते को अपनाना चाहिए, और इससे क्या होगा, जैसे श्रीमद् भागवतों में ही बताया गया है कि अकामा सर्वकामा मोक्ष काम उदार दिन तीव्रेन भक्ति योगी न यजीत पुरुषम परम, कि अगर आपको अकामा कोई कामना नहीं है, सर्वकामा बहुत कामना है, और या मोक्ष काम मोक्ष की इच्छा है, तो भी आप क्या करिए, तीव्रेन भक्ति योगी न यजीत पुरुषम परम, कि यही इसी रास्ते को अपनाइए। इसी से क्या होगा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी से हमारी जो मौलिक इच्छा है वो पूरी होगी, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं हमें उनसे विरक्ति दिखानी चाहिए। तो उनसे बचना चाहिए, उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम चले जाएंगे कहाँ, बैक टू गॉड हेड, वापस जो कि हमारा वास्तविक निवास स्थान है। हम अभी गलत स्थान पे आ गए हैं तो वापस चले जाएंगे।